सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यूं कहें कि इसी इरादे के साथ डीएलए ने 4 साल पहले शुरुआत की थी। हम अपने मजबूत इरादे और आपके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। 23 मार्च 2007 की दोपहर 1 बजे इस शहर के हर जन को डीएलए के आने का बेताबी से इंतजार था। 4 वर्ष पूरे होने के बाद आज भी दोपहर के वक्त वैसी ही बेसब्री दिखाई देती है। ये आपका प्यार ही है जिसने हमारे मनोबल को हमेशा बढ़ाया। अल सुबह से आज भी हमारी दिनचर्या आरंभ होती है। देर रात हुई घटनाओं से लेकर सुबह सुबह की गतिविधियों को जुटाकर आपका डीएलए तैयार होता है और दोपहर तक ये आपके हाथों में होता है। ताजा एवं नवीनतम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय खबरों के साथ डीएलए जिस ध्येय वाक्य आज की खबर आज को लेकर चला था, वो आज भी हमारी पहचान बनी हुई है। हमने निरंतर इसे सही साबित किया है। इतना ही नहीं, डीएलए ने तमाम खबरों को दूसरों से पहले प्रकाशित कर समाचारों की दुनिया में बढ़त हासिल की है। चाहे आदर्श सोसाइटी घोटाले का मामला हो, 2G स्पेक्ट्रम, हाल में जापान में आई सुनामी की खबर को विस्तार से देने या JPC का मामला हो, हर प्रयास है कि डीएलए केवल एक समाचार पत्र ही ना बने बल्कि एक मिशन और आपकी आवाज बने। ताजमहल का शहर होने के नाते आगरा को अंतरराष्ट्रीय शहर का दर्जा कब का मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। डीएलए इस मकसद को लेकर आगे बढ़ रहा है। नाम के लिए अंतरराष्ट्रीय शहर बन जाना ही काफी नहीं है, जरूरी है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अंतरराष्ट्रीय स्तर का ही हो और उसके साथ साथ नागरिकों की सोच में भी बदलाव आए। शहर की अंतरराष्ट्रीय पहचान वर्षों से है, लेकिन फिर भी ये उन सुविधाओं से वंचित है जो इसे कई साल पहले मिल जानी चाहिए थी। डीएलए विकास संबंधी परियोजनाओं और शहर की आवश्यकता को लेकर समय समय पर आवाज उठाता रहा है, लेकिन ये सब तभी मुमकिन होगा जब हर नागरिक इस शहर के प्रति अपना कर्तव्य समझे। ट्रैफिक का बिगड़ा ढर्रा और शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर, इन्हें हम सब थोड़ा सा सचेत होकर ही संभाल सकते हैं। उसके बाद एक साथ आगे बढ़कर अपनी आवाज बुलंद करें ताकि इस शहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर के शहर का हक भी जल्दी मिल सके। इस कड़ी में डीएलए ने अपने सामाजिक दायित्वों का भली भांति निर्वहन किया है। जब शहर को पॉलिथिन से मुक्त कराने की बात सामने आई तो डीएलए ने आगे आकर इस अभियान को एक दिशा प्रदान की। तमाम दूसरे अभियानों में भी डीएलए आपके साथ है और हमेशा रहेगा। आज महिला सशक्तिकरण और घर की चार दीवारी के बाहर उनके योगदान को कौन नकार सकता है। डीएलए को नाज है अपने शहर की महिलाओं पर, उनके योगदान पर। डीएलए उनकी हर छोटी और बड़ी खुशी में शामिल है, इसलिए हमने ईवा के माध्यम से उनको एक प्लेटफॉर्म देने की शुरुआत की थी। वो आज वट वृक्ष बन गया है और खुशी है कि महिलाओं ने इस प्रयास को लगातार सराहा है। डीएलए आपसे है, आपका है और आपका ही रहेगा।